पूरा विश्वास है कि ये? मैंने दो बार टेस्ट किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक प्रकार का धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान के ऊपर असर करता है और इंसान के ब्लड टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आता। इसे इस्तेमाल करने से इंसान के शरीर के सारे ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। अरे छोटी सलाली जी, आज सुबह सुबह कहाँ से आ रही है आपकी सवारी है? सलोनी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा मोबाइल भी आउट ऑफ रेंज आ रहा था। नाहर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। जी मैं, भाई सलोनी जी, बड़ी अजीब सी बात है कि नाहर बन्ना को भी नहीं पता आप कहाँ गई थी। देखिए आप कहीं भी जाए हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं, लेकिन डोंट माइंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहीं भी जाने से पहले ज़रा नाहर बन्ना का तो ख्याल कर लीजिएगा। अब देखिए इस हालत में हमसे तो कोई काम हो ही नहीं पाता है, और इस बीमारी में जैसे तैसे तारा ने अगर उनको नाश्ता बनाकर नहीं दिया होता तब तो वो ऐसे ही चले गए होते। जी सॉरी, जल्दी में मैं भूल गई, और मुझे पता भी नहीं था कि नाहर आज समय से पहले ही निकल जाएंगे। थैंक यू भाभी साहब। अरे सलोनी, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? किसी को बताकर भी नहीं गई? वो भाई साहब, मैं मम्मी पापा से मिलने घर गई थी। आज क्या दे आए हैं अपने पापा मम्मी को? अरे देने से मेरा मतलब सिर्फ पैसे या जेवर थोड़ी ना है, अरे कुछ और भी तो दिया जा सकता है, जैसे हौसला, हिम्मत, हमदर्दी है, और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल इनकी छोटी बहन जेल में है, अरे अपने घर वालों की चिंता तो होगी ना इन्हें, क्यों सलाली जी, सही कह रहे हो ना? भाई साहब, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है? तुम फिक्र मत करो, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम जरा थकी हुई लग रही हो, तुम एक काम करो, जरा आराम कर लो, फिर आ जाना, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। सलोनी बहू, तुम कहाँ चली गई थी? मन्नू भाभी का फोन आया था, कुछ पूछना चाह रही थी, तो मुझे कहना पड़ा कि नाहर के मोबाइल फोन पे बात कर ले, क्योंकि तू तो घर पर नहीं थी और तेरा मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा था। सलोनी जी, आप अपने घर से ही आ रही है ना, तो मन्नू भाभी नहीं मिली क्या आपको वहां पर? मेरी वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने फोन कर दिया था। तारा, तुम्हें याद है बचपन में हमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी, इंदु? इंदु? अरे वही जिसकी रोज पिटाई होती थी क्योंकि झूठ बोला करती थी। क्यों? कुछ नहीं, आज अचानक उसकी याद आ गई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बार बार भाभीसा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, उनकी बिगड़ती तबीयत, कमजोरी, इसका मतलब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। भाभी सा की किसी से क्या दुश्मनी, कोई भला उन्हें जहर क्यों देगा, क्या हासिल होगा इससे? फिर भी अगर मन में ये शक आया ही है तो मुझे सबसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्या सोचेंगे सब, और फिर मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है कि भाभीसा की तबीयत किसी जहर के कारण बिगड़ रही है। बिना ठोस सबूत के मेरा कुछ भी कहना एक नया हंगामा खड़ा कर देगा इस घर में।
बेहतर होगा इस शक के यकीन में बदलने तक मैं चुप ही रहूं। अरे क्या सलाही जी, आपकी क्या है, दवाई की नन्ही सी बोतल के पीछे पड़ गई होगी किसी की पुरानी बोतल, लाइए लाइए मुझे। देर का वर्षा, लेकिन वो क्यों करेंगे ऐसा, किस लिए? जीजी आपकी चाय। थैंक यू सलोनी जी। भाई कमाल है सलोनी जी, हमें तो काफी समय हो गया अब इस घर में आए हुए। सभी जानते हैं कि हम चाय नहीं कॉफी पीते हैं। मैं जानती हूँ जीजी कि आप कॉफी पीते हैं, लेकिन जब मैं चाय बना रही थी आप यहाँ नहीं थी। आई एम सो सॉरी, आपके चाय बनाते वक्त हम थे नहीं सलोनी जी, लेकिन किसी नौकर को भेजकर कम से कम पूछवा लिया होता। सॉरी, मैं अभी बना लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। आप क्यों अपनी चाय ठंडी कर रही हैं, हम खुद ही कॉफी बना लेंगे। अरे भाई हमारे हिस्से की चाय कहाँ है। अरे भाई साहब आप आ गए, आइए बैठिए, आपके हिस्से की चाय भी मिल जाएगी। तारा तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। थैंक गॉड रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हाँ लेकिन आप अपनी बहन को जानती हैं ना, उन्हें तो आराम शब्द से ही परहेज है। वही तो, आप बिल्कुल परेशान मत होइए ब्रजेश जी, हम देखते हैं आप कैसे नहीं सुनेगी। अरे भाई साहब मैंने तो पहले ही कहा था, बेकार में टेंशन ले रही हैं बड़ी सलाली जी। अरे कुछ नहीं हुआ है ना भाई साहब, वो रिपोर्ट कहाँ है? हाँ सर। लोनी जी क्या ढूंढ रही हैं उन रिपोर्ट्स में आप? आई डोंट माइंड, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जब डॉक्टर ने कह दिया है कि तारा बिल्कुल ठीक है, मतलब वो वाकई ठीक है। अब हमसे और आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना डॉक्टर जी, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। सलोनी मुझे शुभ्रा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर की बात सुनकर तसल्ली तो हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सेकंड ओपिनियन भी लेनी चाहिए। ब्रजेश जी देखिए, आपका कंसर्न हम समझते हैं, जायज है, लेकिन इफ यू डोंट माइंड, हम सोच रहे थे कि तारा का आयुर्वेदिक इलाज करवाएं, तो हमारे शहर में एक डॉक्टर हैं, उन्हें सालों से जानते हैं हम, और तारा को तो उनकी दवा बचपन से सूट करती आई है, कभी भी बीमार पड़ी है उनकी दवा ने असर किया है। तो अब आप अगर सेकंड ओपिनियन की बात ही कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उनसे हम सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। हाँ ब्रजेश, अभी भी हम जिस डॉक्टर से मिले थे वो तो स्पेशलिस्ट ही थे ना। ठीक है जैसा तुम कहो। जानकी जी यहाँ आना, ये ले जाओ, तारा मैडम के कमरे में ले जाओ, उन्हें खाना खिला देना। जो हुक्म। सलोनी जी क्या हो गया, आप अचानक कहाँ जा रही हैं? वो नाहर को ऑफिस जाना है ना, उनके कपड़े तैयार करना भूल ही गई हूँ। आई डोंट माइंड, आपकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है, आप चाहें तो हमारे वैद्य जी से मिल लीजिए, अच्छी दवाई देते हैं।
सुनो जी, तारा भाभी को खाना मैं देती हूँ, तुम दूसरा काम करो। जो हुक्म। सैंपल में कुछ मिला आपको? आपको किसी पे शक? पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन एक वहम सा है, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। देखिए सलोनी जी, वहम का कोई इलाज नहीं होता है। पहले जो आप सैंपल लाई थी, मेरा मतलब है वो लिक्विड, वो जरूर जहर थी, लेकिन इस बार की सारी रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि खाने में किसी भी किस्म की जहर की जरा सी भी मात्रा नहीं। अच्छा ही हुआ मैंने घर में किसी से बात नहीं की। भाभी साहब की बीमारी को उस बॉटल से जोड़कर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी मैं। घर में उस बॉटल का मिलना एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हो सकता है भाभी साहब को सच में कमजोरी के अलावा कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आज तो बहुत भीड़ होगी ना बाजार में, धनतेरस के लिए सामान खरीदने वालों की वजह से सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। अरे क्यों ना हो भाबो, लोगों को तो बस पैसे खर्चने का बहाना चाहिए। अब बाकी दिनों की तो मैं नहीं कह सकती कुंवर सा, लेकिन धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए हर इंसान छोटा बड़ा अपनी हैसियत के हिसाब से खरीदारी करता है। ये लीजिए भाव, लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर मूर्ति है सलोनी बहू, लक्ष्मी जी की मूर्ति को मंदिर में रख दो। बाबू प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमें लगता है ये शुभ काम तारा को करना चाहिए। नाहर भी इस शुभ अवसर पर कुछ लेकर आए हैं। आपसे श्रीयंत्र के बारे में कहा था ना मैंने बाबू? हाँ लाई हो श्रीयंत्र जी। सलोनी जी डोंट माइंड, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तो घर भी एक हो गए हैं, रसोई भी एक हो गई है, लेकिन फिर भी आप और नाहर बनना अब तक इस घर से जुड़ नहीं पाए हैं। जब हर साल की तरह ब्रजेश जी इस साल भी धनतेरस का शगुन ले ही आए हैं, तो आपको इस घर के लिए अलग से कोई चीज लाने की क्या जरूरत थी? अगर इस घर से मन से ना जुड़े होते तो यहाँ से कुछ लेकर जाते। हम तो श्रीयंत्र यहाँ लेकर आए हैं, और आप तो ये जानते ही हैं कि श्रीयंत्र घर में सुख और समृद्धि लाता है। ये लीजिए मिठाई, खा लीजिए सब। वाह, क्या बात है, इतने साल हो गए लेकिन राजमहल स्वीट्स हाउस की मिठाइयों का स्वाद अभी तक वैसे का वैसा ही है। एक और मिलेगा? कायदे से ज्यादा मीठा तो नहीं खाना चाहिए आपको, लेकिन आज के दिन मना नहीं करूंगी। बस बस बस, और कितनी मिठाइयाँ खिलाएंगी आप? भाई मिठाई खिलाने की सोच तो नहीं रही थी मैं, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो। बाबू मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मेरे पास ऑलरेडी मिठाई है। अरे मेरे हाथ से तो नहीं खाई ना। आज के दिन भी भला कोई मिठाई को मना करता है?
मेरी बहू रानी, मेरी बहू रानी की पहली धनतेरस है इस घर में। हूँ तो मीठा कर। अरे भाबो, हो गई ना आपसे ना इंसाफ। उर्वशी जी की भी पहली धनतेरस है, उनका वो मीठा नहीं कराएंगे आप? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, लो उर्वशी। नहीं नहीं बाबू, थैंक यू, हमें मिठाई पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? ये मिठाई खाने का मन नहीं है। तुम तो खट्टा खाने को मचल रही होगी ना। क्या करें, यहाँ कोई ऐसे पेड़ तो है नहीं जिनमें कैरियां लगी हो, पर इमली पड़ी है मेरे पास, ले आओ। चा भाई, अब ये सबके लिए उपटन तैयार कर दिया है मैंने। कल रूप चौदस है, सूर्योदय से पहले उठकर नहाना है। है? सूर्योदय से पहले? हाँ कुंवर साहब, लेकिन आप चाहते हैं तो रोज की तरह साबुन से नहा सकते हैं, लेकिन सोच लीजिए, उपटन से नहाने से चेहरा चमक जाता है, रूप निखर आता है। अच्छा, तब तो इस उपटन से नहाने का सबसे पहला हक सलोनी जी का बनता है। तो सभी का बनता है उर्वशी, लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस होता है मुझे कि दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। शरीर को सुंदर बनाने के लिए बाजार में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे मन सुंदर हो सके। जी आपने बुलाया उसको? हाँ, ये एप्पल जरा तारा भाभी और जीजी को दे देना। जी। अरे सलोनी, आज तो शुभ्रा के केस की सुनवाई है ना, तो यहाँ क्या कर रही हो बेटी? कोर्ट नहीं जाना तुम्हें? जाना है बाबू, नहर तैयार हो रहा है, मैंने सोचा उनके आने तक मैं आपका हाथ बटा दूं। सलोनी जी, तारा, अदिति भाई सा सलोनी का है। सलोनी जी, तारा, क्या बात है जीजी, क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों आप? तारा, इस सवाल का जवाब अपनी प्यारी देवरानी से ही पूछो तो बेहतर होगा। इनसे पूछ लो तारा, आखिर चाहती क्या है ये? क्या बात है जीजी, मैंने क्या किया? क्या किया सलोनी जी, क्या भिजवाया अभी आपने हमें? जी, फल काट कर भेजे थे। फल? कौन सा फल? एप्पल। सलोनी जी डोंट माइंड, लेकिन अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ए फॉर एप्पल तक तो सीखा ही होगा ना आपने। क्या इसे एप्पल कहते हैं आपके घर में? जी, ये पपीता मैंने नहीं भेजा। तो किसने भेजा है? और सलोनी जी, आप ये कहना चाहती हैं कि किचन से हमारे कमरे तक आते आते नौकर ने एप्पल के बजाय पपाया रख दिया ट्रे में? हद होती है सलोनी जी, हम क्या, सारा घर जानता है कि आपको कितना ज्यादा लगाव है हमसे। हमारी शादी में भी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आप ही को था सलोनी जी। जानते हैं कि आपको हमसे तकलीफ है, लेकिन कितनी ज्यादा तकलीफ, इस कदर तक गिर सकती हैं आप? हम सब समझते हैं, ये पपीता आपने जानबूझकर हमारे कमरे में भिजवाया क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम तारा को मां बनने का सुख दे सके। तारा की झोली में जरा सी खुशियां नहीं देख सकती आप? ये पपीता भेजकर आप हमारे अंदर पल रहे बच्चे को पहले ही मार डालना चाहती हैं।